चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज सातवें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन इससे पहले अंतिम चरण के लिए सभी सियासी दलों ने अपना पूरा जोर पार्टी के प्रचार में लगा दिया है। बीजेपी ने जहां अपने सारे स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन सहयोगी के साथ मोर्चा संभाला। सातवें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा, जिसमें आजमगढ़ भी शामिल है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव यहां से मौजूदा सांसद भी है। तो आज अपने ही गढ़ से हुंकार भरते हुए अखिलेश ने बीजेपी की घेराबंदी करने का काम किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है, ना नौकरी मिली ना रोजगार। 5 साल तक बीजेपी सरकार में युवाओं को इंतजार करना पड़ा, कोई नौकरी रोजगार नहीं मिली, सभी संस्थाओं को बीजेपी ने बेच दिया है। बीजेपी नेता का लैपटॉप वाला वीडियो देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं। 12वीं पास के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने वालों को लैपटॉप देने जा रहे हैं बीजेपी के नेता। शुक्र है इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इंटर के बाद 10वीं पास करने वालों को लैपटॉप देंगे। गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकाल दी है जनता ने 6 चरणों में। अब 7वें चरण में जनता इनको 7 समुंदर पार भेज देगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने काशी में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की ओर से लगाई गई भगवा टोपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं। टोपी लाल सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग की पहनी है। ये लोग रंग बदलने वाले हैं, ये लोग कोई भी रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक जरूर सिखाने वाली है।